हिरणन बुलाओ, आप हिरणन बुलाओ। हाँ बुलाता हूँ। देखो मित्रों, लाइव वीडियो शेयर करें, ये इस उम्र में कितना बड़ा पुण्य का काम कर रहे हैं थंडार साहब, जो मंगनाराम जी हरिओम नगर निवासी है। आज हम आपको बताते हैं, ये हमेशा यहाँ सुबह को आकर के ये विदेशी मेहमान आए हैं, जो आपको मैं कुर्जा पक्षी का लाइव थोड़ी दूर पहले दिखाया था, उस टाइम झुंड के झुंड उतरे थे और अभी भी यहाँ पर बैठे हैं विदेशी मेहमान, जो यहाँ चुगा लेके आए हैं अपन नौसर गाँव से जा करके, जो अभी हम गाड़ी से उतार रहे हैं और आज पूरी जानकारी लेंगे यहाँ पर। जो ये हिरणों की सेवा, कम से कम यहाँ 100-150 के करीबन हिरण आते हैं, उनको ये चुगा डालते हैं थमदार साहब। जो आप थोड़ो को आप बैठ के तरफ ना, आपको जाटकुड़ा हटा अटे हटा ही गए हो। अच्छा, तो दो तो नमक के कटे लाए हैं कुर्जा पक्षी के चुगने के लिए, जो विटामिन पानी की। देखो थमदार साहब हिरण को बुला रहे हैं, ये चने लाए हैं, ये कबूली चने दे रहे हैं। एक भगत ने 500 रुपये का, अभी उसका फोन आया था मेरे पास में। देखो हिरण कितने आए, देखो वाह धुंधार साहब, देखो हैं गजब, देखो एक आवाज के साथ में हिरण आ गए हैं। आपको लाइव तस्वीर बताता हूँ, देखिए हैं, देखो ये धुंधार साहब हिरणों को बुला रहे हैं और वो आए, देखिए दौड़ के आए वो, ये देखो दौड़ दौड़ के आ रहे हैं हिरण, देखिए धुंधार। ये आपकी ये भाषा है आपको बुलाने की, इनको बुलाने की भाषा है, है? इनका नाम है मरगुड़ी छोटू नैनू मरुड़ी, अच्छा मरगुड़ी मरगुड़ी मृग 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 हाँ मरगुड़ी, अच्छा नैनी नैनू, अच्छा नैनू छोटी छोटी, इनके नाम है। एरिया है भीम, हाँ पीछे पीछे भीम, ये भीम, ये जब आप जाओगे तो आपके हाथ से चुगा चुगेंगे, ये हाथ से थोड़ा दूर चुगेंगे, हाथ तक तो नहीं आएंगे, ये थोड़ा दूर रहेंगे, थोड़ा दूर से आ जाए। आप ये काम यहाँ कितने समय से कर रहे हो, मतलब यहाँ पर लगभग 5 साल हो गए, 5 साल हो गए, 5 साल। देखिए ये पूरा जंगल है और पूरे जंगल में अभी हिरणों को बुलाते हिरण आ गए हैं, देखिए ये हिरण खूब है, लेकिन ये थोड़ा मैं सुबह चुगा डाल के गया था, अच्छा चुगा खा के चले गए, चुगा खा करके सुबह चले गए, शाम के टाइम यहाँ आए वो तो बहुत, देखो नहीं आ रहे हैं, हेड़ की हेड़ आ रही, देखिए वो है वो हेड़ की हेड़ आ रहे हैं दौड़ी दौड़ी, देखो उधर से कितने आ रहे हैं, ये देखो आवाज देख करके बुला रहे हैं। तो ये कटे कटे लेना हो, कटो कटो चना वगैरह दो, साब ने दो, साब के हाथों ही दो, मतलब जवार है और बाकी काले चना है और काबुली चना है, हाँ जवार भी है, जवार लाओ वो कटो खोलो, जवार लाओ जवार लाओ कटो खोलो, मतलब तो देखिए कितने हिरण आए, देखिए ये हिरण आकर के खड़े हैं। ओम सर, उनके पास थोड़ा आप दूर रहना, मैं यही खड़ा रहता हूँ, रोड के पास में खड़ा हूँ, मैं आऊंगा नहीं। और वो विदेशी मेहमान कुर्जा पक्षी है जो आप देखिए, हिरणों के पास विदेशी मेहमान, अच्छा ये अभी तो ये थोड़े टाइम से आए हैं तो ये भाषा समझ जाते हैं, चुगा डालने के लिए आए, उनको सब ध्यान, देखो वो देख रहे हैं, जब यूं कर रहे हैं ये उनको, है ना, अच्छा ऊपर है आप देख लो, अच्छा तो आपके हाथ से डलवाते हैं, आप डलो आप डलो, बहुत बहुत धन्यवाद, हमको तो बहुत बड़ी प्रेरणा मिली इस उम्र में, हम तो थंडार साहब के जो चरण छूते हैं बहुत ही हमारा सौभाग्य है, जो आप इतनी वयोवृद्ध उम्र में हमें जो ये प्रकृति के वन्य जीव जंतुओं की सेवा कर रहे हो। पहले थंडार साहब कता साल थंडार इकपण कियो आप? 41 साल, 41 साल तक ड्यूटी आपने कटे कटे रही, मतलब जोधपुर, अच्छा सिरोही, सिरोही जोधपुर जिला पूरा, जोधपुर जिला पूरा, पिपाल भिलाड़ा, अच्छा अच्छा प्रताप नगर मंदिर बालेश्वर, यो पूरा उन टाइम तो मोटर डंडे हंटर कार्ड था, हमें कार्ड डंडे कानून बदल गया है, अच्छा। तो ये देखिए थंडार साहब अब जा रहे हैं, देखो हिरण इनके पास आ रहे हैं, देखिए ये देखिए अभी देखिए ये इनकी आवाज दी, आवाज से पूरे हिरण आ गए इनके पास में, जंगल है पूरा चारों तरफ मित्रों, देखिए जंगल है यहाँ पास में, कोई गांव नहीं है, यहाँ एक नाडी है जिसका नाम है सरंगे वाली नाडी, ये गांव हरिओम नगर में पड़ती है। यहाँ विदेशी मेहमान कुर्जा पक्षी आए हैं जो पानी नाडी के अंदर है, पहले मैंने आपको 1 घंटे पहले का वीडियो बताया था, अभी ये थमदार साहब जाके देखे चुगा डालते हैं और ये हिरण आएंगे इनके पास चुगा चुगने के लिए, देखे कितने झुंड के झुंड आते हैं हिरण यहाँ जंगल के अंदर, जो दिन और रात इनकी सेवा में लगे रहते हैं, तो ये भी भय से रहित तो होकर के अपने आप इनको मानव से स्नेह हो जाता है, प्रेम हो जाता है कि ये हमें, ये हमारा ही आदमी है, ये कोई जैसे एक कोई शिकार गति का आदमी होता है उससे भय करके वो पहले से ही भाग जाते हैं, ये उसका चेहरा देख करके भाग जाते हैं, हिरणा ने किया पहचान है कोई एडो शिकारी गति को आदमी पहले ही, और जो कोई प्रेमी धर्म प्रेमी आदमी हुई नहीं बिंग अपने आप ऑटोमेटिक करने आ जाए। आपको क्या नाम है? पपूराम जी, इन इन गांव रही हो? अरला अटे, कोई फार्म है तार कोई? टूबेल टूबेल अटे, हाँ तो आए थे, बह देखो चुगा डाल रहे हैं,
थंदार साहब देखिए, और वहाँ जाते ही अभी हिरण आ जाएंगे पूरे पूरे। वो देखिए अभी जवाब डालना शुरू किया है और वो हिरण है जो झुंड के झुंड अभी यहाँ आएंगे। देखिए ये सामने आपको दिखा रहे हो मैं हिरण, अभी ये थंदार साहब के पास में जाएंगे। इस उम्र में थंदार साहब वारे धन्यवाद है, दातार बढ़िया है, दातार जननी जने तो ऐसा जने कह दाता कह सूर, नहीं तो रह जे बांजड़ी मती गमा जे नूर। वो हिरण अपने आप ही जा रहे हैं। देखिए जो इस उम्र में अपनी पूरी संपत्ति धर्मपुन में कर रहे हैं थंदार साहब, जो यहाँ ओरण है पूरी ओरण के अंदर चुगा डाल रहे हैं, और अभी हिरण तो पूरे आ गए हैं। अभी उधर कुर्जा पक्षी है वो भी हिरण के साथ में चुगा चुगने के लिए आ रही। इस वीडियो को शेयर करें मित्रों, और भी लोगों को प्रेरणा मिले धर्मपुन की। अब मैं थोड़ा मैं नज़दीक जाते ही वो हिरण क्या भाग जाते हैं। अभी वो इनके जो है वो कहीं क्या करे दोस्ती होगी, आऊँ दोस्ती होगी जिन भाई थोड़ा थोड़ा पहाड़ आगे हुआ है नेड़ा जत रही हम चुगो डाल दे आज ही। देखो भाई चुगो डाले वो थंदार साहब वहाँ चुगा डाल रहे हैं। देखिए वो जवार अभी जवार डाल रहे हैं, वो जो आप लाइव तस्वीर द्वारा देख पा रहे हो। बहुत बहुत साधुवाद साहब, भगवान आपको लंबी उम्र प्रदान करे जीवों की सेवा करने के लिए। थंदार साहब जो आप इस उम्र में ऐसा शुभ कार्य कर रहे हो अपने हाथ से, ये हर कोई के बस का रोग नहीं है। मतलब जीव बिना सेवा होनी बड़ी मुश्किल है, ऐसा आप जीव है जना आप चुगो बगरा डलिया करो। और वो विदेशी मेहमान कुर्जा पक्षी का लाइव तस्वीर आप देख पा रहे हो उस साइड में, वो विदेशी मेहमान कुर्जा पक्षी वो भी अभी चुगा चुगने के लिए आएंगी। और वो वहाँ से देखो हिरण भागे भागे आ रहे, देखिए बहुत सारे वो जय हो वाह। और थंदार साहब आप तो इन उम्र के माए बहुत बड़ो, लाओ ले लियो सा देखो बे आया हिरण, अब हिरण आए कुर्जा अपने आप ऑटोमेटिक आ गया हिरण। देखो ज्यों ही चुगो डालियो यार हिरण आ गया, देखो है चुगो डालते ही एकदम हिरण आ गया। देखो है चुगो चुगन वास्ते ये पूरा जंगल है मित्रों चारों तरफ है। और इस जंगल में देखिए बह थोड़ा कटा है जो बैटी लिए उसे चुगे का, एक वो चिना को कटो है अरे काबुली चिना है, काबुल चिना बह आने कुर्जा ने डाल बार कुर्जा पक्षी है नी माना दो नमक का कटा है, नमक का कटा ही लेना जियो पाँच अटैक। तो ये आपको मैं लाइव तस्वीर दिखा रहा हूँ, देख वो आवाज़ दे दे करके बुला रहे हैं थंदार साहब, आवाज़ दे दे करके हिरणों को बुला रहे हैं चुगा चुगने के लिए। और वहाँ पर वो चुगा डाल रहे हैं, देखिए उनकी आवाज़ कितनी सुंदर और मीठी आवाज़ है जो हिरण अपने आप आ जाए। दोबारा रख दो भाई भाई अटे रख दो थंदार साहब आप ले जी, आप चमके थोड़ा नया आदमी हूँ आगे हम दोस्ती होगी थंदार साहब हूँ थंदार साहब दोस्त उड़ी हम दोस्ती उड़ी आगे तो दिन और रात है तो सुबह शाम सेवा करे आएंगी। पूरा जंगल है मित्रों देखिए, इस जंगल में ये विदेशी मेहमान कुर्जा पक्षी है ये भी अभी चुगा चुगेंगे आकर के पानी पियेंगे। उनके साथ में हिरण खड़े हैं, देखिए वो कुर्जा के साथ में हिरण खड़े हैं, वो भी आएंगे अभी। ये इनकी आवाज़ है देखिए बुलाने की, हाँ साहब हाँ साहब। अच्छा आपकी जो ही आवाज जाती है एक किलोमीटर एरिया से ही आ जाते हैं, थो आवाज तो भगवान आपने लंबी उम्र प्रदान करे के आप इन उम्र के मायो पुण्य कमायो सा, हर एक वर्ष को रोग नहीं है वो कोई बहुत बड़ो आपको भाग है कोई पूर्वले जन्म का कर्म है आपका कोई। अच्छा आप यहाँ नहीं होते तो पोते बकरे चले दो नमक का पहले जवार को कटो चिणंग को कटो डाल दो है कुर्जा वगैरह हैंग चुग ले चिणंग कटो पूरा डाल दो आप, हाँ चिणंग कटो है एक तो काबुली चिना है और बाकी है जो है काड़िया चिना है कटक में है पूरा ही डाल दो। हाँ अच्छा हाँ कुर्जा बगर के यहाँ पास में आएगी चुगा खाएगी इनको भगा देगी, वो कुर्जा आकर के हिरण को भगा देगी। अच्छा आगे कुर्जा की मीट इतनी तेज है ऊपर उड़ान भरते ही नीचे चुगे को पतो लाग जी अटे चुगो खिंड उड़ो है। अच्छा हिरणा के साथ में चुगा चुगेंगे कुर्जा पक्षी विदेशी मेहमान, डालो आप डालो चोल साहब खोल दो थे कटा खोल दो डाली जोरो। ये लाइव तस्वीर आप देख पा रहे हो गांव हरिओम नगर से, देखिए कितने हिरण आए हैं। देखिए ये जंगल है चारों तरफ, यहाँ कोई पास में गांव नहीं है। और इस जंगल में थंदार साहब स्कूटी गाड़ी लेकर के आते हैं, देखिए ये थंदार साहब स्कूटी गाड़ी लेकर के आए हैं, स्कूटी गाड़ी लेकर के आते हैं और इस उम्र में ये ऐसी सेवा में लगे। स्कूटी गाड़ी कता मॉडल है आप रहा
तीन साल केवल हिरण वास्ते ली आप कटे चून लाने वास्ते हिरणों के चून डालने के लिए स्कूटी स्कूटी बनाने कंपनी नहीं धन्यवाद है हिरण चून डालने काम आवे वाला है। अच्छा तो आप इतना बड़ा काम करो कोई वन विभाग वगैरह सूचित करो ग्राम पंचायत के अंदर कोई ऐसी व्यवस्था बनाओ ग्राम पंचायत के फंड से जो जाली तार वगैरह लगा के इनके लिए चुगा वगैरह के लिए कोई कुत्ते है वगैरह है पहले जो निवेदन किया था लाली सरकार के कैंप में। अच्छा आप ये चौकी लगा दो वन विभाग की। अच्छा तो कम से कम कुत्ता भगाता रहे। अच्छा क्या भगाता रहे कुत्ता भगाता रहे। अच्छा और हमें वो आप वो सूचना करने तो और अच्छी बात है। अच्छा आपकी अभी तमन्ना क्या एक चौकी लगाने की यहाँ वन विभाग की गए यहाँ हिरणों की सुरक्षा के लिए। तो वीडियो शेयर करें मित्रों किसी जो सज्जन सकारात्मक सोच वाले आदमी के पास अफसर के पास ये वीडियो जाएगा तो हिरणों के लिए यहाँ चौकी भी लग जाए कोई कुत्ते वगैरह का डर नहीं रहे। और यहाँ पर नाड़ी के अंदर पानी की बहुत अच्छी व्यवस्था है पानी नाड़ी में कहूँ नाड़ी पानी बरसात का है कम पड़ता है टैंकर से डलवा देता हूँ टैंकर से डलवा देते हो कम डलते हैं टैंकर से डलाता हूँ टैंकर से गर्मियों के मौसम में मौसम इनका पानी कमी नहीं आने देता हूँ पानी की कमी नहीं आने देता नहर का पानी लाता हूँ पीने के लिए। अच्छा नहर का पानी मीठा ये पानी नहीं धन्यवाद भगवान आपको लंबी उम्र प्रदान करे धन्यवाद साहब। तो वो कुर्जा पक्षी है उस साइड में है वो देख रही उनकी टंगे सबकी ऊपर है आप देख लो। अच्छा वो अपने अपने जल्दी नहीं आएगी अब जो ही भागेंगे यहाँ से जब दूर जाएंगे तो वो पास में आ जाएगी हिरणों को भगा देगी वो हिरणों के पास आएगी है हिरणों के पास आएगी। अच्छा चनापुरा डाल दो चनापुरा डाल दो ठंडा साहब नहीं दे दो आप बड़ा चमक ही मतलब। तो ये लाइव तस्वीर मित्रों आप देख पा रहे हो जिस जगह भी चुगा डाला है अपने थंदार साहब के हाथ से ये हमेशा सुबह और शाम इनकी सेवा करते हैं हरिओम नगर निवासी है थंदार साहब जानी साहब रूपाणी साहब विष्णोई साहब आपको जय श्री कृष्णा मित्रों वीडियो शेयर कर रहे हो आपको ये जो एक ऐसी सेवा दिखा रहे हैं इस जंगल के अंदर ये सरंगी वाली नाड़ी है जिस जगह कितने हिरणों की यहाँ सेवा हो रही है जो थंदार साहब हरिओम नगर निवासी है आपके मंगना राम जी साहब तो मंगना राम जी साहब यहाँ पर ये चुगा डेली को सुबह और शाम डालते हैं गर्मियों में पानी के टैंकर डलवाते हैं इनके हिरणों के लिए झुंड के झुंड आते हैं अभी इन दिनों में विदेशी मेहमान आए हैं जो विदेशी मेहमानों की सेवा में भी थंदार साहब खूब सेवा दे रहे हैं। ये जो आप देखिए धन्यवाद है आपको अपनी कमाई का नेक हिस्सा धर्मपुन में करके अपना जीवन समर्पित किया इस वृद्ध अवस्था और इस उम्र में थंदार साहब मंगनी राम जी रिटायरमेंट थंदार साहब ने बहुत बहुत धन्यवाद। और हिरणों की सेवा में लगे हैं देखिए हिरणों को चुगा चुगा रहे हैं ये लाइव तस्वीर आप गांव हरिओम नगर से देख रहे हो ये रोड चल रही है साइड में ये अपनी 2008 मॉडल गाड़ी खड़ी करके मैं इस रोड से इस हरिओम नगर सरंगिया वाली नाड़ी के अंदर आया हूँ। थंदार साहब की स्कूटी है और एक चौधरी साहब है उन्होंने भी मोटरसाइकिल रोक करके सेवा दी है जो गाड़ी से अपने कट्टा उतरवाया चने का और दो नमक का और जवार का काबुली चने का 5 किलो काबुली चना एक भगत ने दिलाया था हमें पहले मैंने लाइव किया था उस टाइम उस भगत का नाम मैं आपको बताता हूँ या मोबाइल में आया था उस टाइम जय श्री राम नाम करके जो श्री गणेश स्टील एंड वुडन नाम से जो 500 रुपया उन्होंने दिया था पुर्जा के लिए मैं चुगा लेके आया और अभी वो चुगा डाल रहे हैं जवार पक्षियों को जय हो जय हो। और इस साइड में ये हिरण है जो यहाँ पर पूरा चुगा चुग रहे हैं जो थंदार साहब ने अभी जवार डाली है जवार हिरण चुगा चुग रहे हैं बहुत ही धन्यवाद है आपको जो इस उम्र में वृद्ध अवस्था में ये पुण्य का मार्ग और आप हिरणों की और विदेशी मेहमानों की सेवा में लगे हैं थंदार साहब भगवान आपको लंबी उम्र प्रदान करे साधुवाद आपको। जय हो जय जय हो जय हो। ये सड़क चल रही है सड़क से गाड़ी वाले जा रहे हैं मोटरसाइकिल वाले
वो देखिए अभी कट्टा कट्टों से चूगा डाल रहे हैं। वीडियो शेयर करें, धन्य हो। तो ये लाइव तस्वीर आप देख रहे हो ग्राम हरिओम नगर से, विदेशी पक्षी कुर्जा मेहमान अभी पानी पीने के लिए चली गई उस साइड में नाड़ी पे, और इस साइड में ये हिरण है जो ये अभी चुगा चुग रहे हैं। हिरण हिरणों को चुगा डाला है थंडार साहब हरिओम नगर निवासी मंगना राम जी द्वारा। इस उम्र में बहुत ही पुण्य का काम कर रहे हैं, देखिए आपको कोटि कोटि साधुवाद। जय हो जय हो। धन्यवाद आप सभी लाइव दर्शकों को। हाँ ओम प्रकाश जी विष्णोई साहब, ये है सरंगी वाली नाडी हरिओम नगर, यहाँ अरलाई गांव आता है, जोधपुर से फलोदी जिला जाते हैं तब तो अरलाई से जस्ट 1 किलोमीटर दूर ही है। देखिए इनको पता चल गया अभी चुगा आज फुल आ गया, तो अभी ये ऊपर आवाज़ें देनी शुरू करी है और इनको दिखना भी शुरू हो गया है। अभी ये वो डाल दो है, दो नमक का कटा है, बड़ा है कुर्जा चुगले, दो नमक का कटा है भी खिंडा दो ए कुर्जा चुगी, मतलब नमक है नहीं कोई फीका होकर पानी हलो पी, मतलब हाँ नमक चुगे ऋण में आर उतरे फड़ोदी ऋण है नहीं कोरो लून चुगण नहीं उतरे अभी तो ना आप सुनाब को बोलो मोटा मोटा लून चुगे, मतलब लून घड़ो चुगे मैं कुर्जा। हाँ सीधो सीधो डाल दो हाथ, मतलब मैं शाम को सुबह चुग ले आपके हाँ एक अटक रख दो रखो काम आ जाएगा काम रखो इधर वाह काल नाग दियो अटे रख दो नहीं कन के अटकन कौन जी अटे कन लोन कौन जी मेरे को। हाँ 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 कौन कर चुका है ये कुर्जा दो साल हुआ बैठे हूँ, मतलब जो उसका संगा है एक कुर्ज का अच्छा उसमें एक पैर पे लगी हुई है, एक लगी हुई पैर बाप उड़ तो जिए बा वो झुंड के साथ में ओ झुंड के साथ है। हाँ। मैं आई कटे हूं साई बेरिया हूं साई बेरिया से एन ही दो आंगो स्थान एक तो फड़ो दी ज्यादा उतरे खिचन खिचन के सेकंड ये सरंगी नाड़ी खिचन के सेकंड वाला तो सरंगी नाड़ी अटे आ उतरे ए बटे रवाना होए ना के महीने में आवे ही तो नवंबर में आवे नवंबर में आवे और वो महीना लास्ट है फरवरी अब इन पाचे उड़ जी मतलब है वापिस अगले साल आई एक बार साथ में जाएगी हाँ कुछ पहले जाएगी कुछ बाद में जाएगी धीरे धीरे अच्छा ये बहुत बढ़िया है। हाँ बाकी है यहाँ सुरक्षित है कोई कुत्ता मिला कुछ नहीं है वही तो मैं देखूं के आज के टाइम एडो कोई जिया ही नहीं है कुत्ता मिनाड़ो यार अटे तो कोई कुत्तो नहीं मिनो नहीं की नहीं देखो आनी ठा पड़े अटे आज जिया सुरक्षित है मतलब नहीं कोई तार है नहीं कोई पतंगबाजी है कुछ नहीं है ये सेफ है यहां अच्छा पैर पतंगबाजी वे भी जी आवे कोनी है बस खिचन में पैर कर जाते हैं कुर्जों के अच्छा खिचन में पैर करते हैं वो पतंग ज्यादा उड़ाते हैं वहाँ मकानों पे धागे से पैर कर जाते हैं सेवाराम जी लेके जाते हैं फड़ो दी अच्छा सेवाराम जी माड़ी अच्छा अच्छा इनकी कोई तकलीफ होती है ना अच्छा तो मैं सेवाराम जी से पूछता हूँ। हाँ
तो आपको ऐसे ये भाव कैसे आया इनकी सेवा का? मतलब जैसे कोई तो लोग ऐसा आराम करे, रिटायरमेंट होने का, आज मैं गाड़ियों में फॉर्चूनर में घूमे, बाहर शहर में विदेशों में जाए जा रहा, आप इन सेवा में लाई गई उम्र में? ऐसा है ज्योति जी, मेरा काम यही था। अच्छा, पहले हम कुत्ते को खूब दूध पिलाया। अच्छा, ड्यूटी माते ही ड्यूटी पे कुत्ते को दूध पिलाता मैं। अच्छा, और बारी घाटे बांद्रा को सुखाता हमेशा, बंदरन चुगु चुगा गया बारी घाटा। अच्छा, और जोधपुर मछलियों को सुखाता। अच्छा, जोधपुर मछलियां चुगु चुगा। अच्छा, ठीक है, ये मेरा शुरू से यही भाव है। अच्छा, और अब यहाँ आया, ये भाव अपना लिया। अच्छा, देखो साहब, बहुत बढ़िया सुंदर कमेंट आवे, आपको बहुत सलूट है इस उम्र में थमदार साहब, ये पुण्य का। और इसमें रखता हूँ थैलियां इनकी अलग अलग। अच्छा, स्कूटी माते डिक्की में, डिक्की में थैली अलग है। अच्छा, पीड़ी थैली है इन्ना की। अच्छा, दूसरी थैली है कुर्जा कुर्जा की। बहुत बहुत धन्यवाद। इनको कुर्जा को अलग डालता हूँ, इन्ना को अलग डालता हूँ। अच्छा, और फिर यहाँ खड़ा होकर देखता हूँ कैसे सुख रहे हैं। कोई जानवर आ जाता है, गाय वगैरह, तो बता देता हूँ। अच्छा, धन्यवाद। हाँ, अच्छा, सीधी अड़वान ठा पड़ गई चूट डाली हो गए। हाँ, गजब नजर है वास्तव में यार। जय हो, जय हो। आज थे सेवा गुमो को ले लियो है। देखो करी है, वो रख दो, अटका ले रहा देखो, हट रख दो, एक हाथ कैटा कैट कन रख दो, हट रख दो। तो ये लाइव तस्वीर आप ग्राम पंचायत हरिओम नगर लुआउट के अंदर आता है, फलोदी जिला जाते हैं जोधपुर से, तब यहाँ हरलाई गांव आता है, हरलाई से नौसर जाते हैं सड़क, तो जो ही आप यहाँ से जाओगे तो 1 किलोमीटर फिक्स यहाँ सरंगी वाली नाड़ी आती है, उस नाड़ी के ऊपर ये नज़ारा है। इतना बहुत बड़ा जो नज़ारा है, ये नाड़ी के ऊपर का नज़ारा है। यहाँ खूब सारी विदेशी मेहमान, कुर्जा और ये हिरण, हिरणों की तो सेवा यहाँ डेली होती है। मोर थोड़ा कम आवे, मोर विलुप्त हो गया है, मोर होते ऐसे घरे और आप घरे खूब आवे। मोर है, हां सुबह सुबह डालता हूं, हां 50 मोर आते हैं। 50 मोर आवे, 50 यो मेरे घर पे। तो साहब थे तो जिंदगी को पको एटीएम कार्ड बनानी हो, अनेक जन्मों को, मतलब बिल्कुल सर, अनेक जन्मों को एटीएम कार्ड बनानी हो, जैसे जगह जन्म में पासो कार्ड ली मोर जरूर पड़े ना, वो धन कह कर के क्या करे बिना धन है, एफडी एफडी बना ली थी अनेक जन्मों की एफडी, मतलब दूजो आदमी आए ना तो डर ही था को डरे नी दौड़े सुबह शाम आया करे ठीक मित्रों, लाइव दर्शकों को आपको जय श्री कृष्णा, नून प्रणाम, जय श्री कृष्णा। आज के लाइव तस्वीर को यही आपने लाइव बनाया, बहुत बहुत आप सभी को धन्यवाद, लाइव दर्शकों को जहाँ से भी इस वन्य जीव जंतुओं की सेवा का आपने ये देखा लाइव ये तस्वीर, इस जंगल में थमदार साहब सेवा कर रहे हैं, आप सभी को जय श्री कृष्णा।